हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत व्याकरण, जिसमें पहला पाठ है वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। अब हिंदी में आप लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा है। वर्ण उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सके। सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे क, ख, ग, घ आदि, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। वर्णों को क्या कहते हैं? अक्षर। अतः वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियों को कहते हैं। जैसे घट, पद में घ हलन्त, अ ट हलन्त और अ विसर्ग, ये मूल ध्वनियाँ हैं जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसी प्रकार अन्य पद भी समझे। जैसे रामह, रामह में कौन कौन से वर्ण हैं? र प्लस आ प्लस म प्लस अ प्लस ह विसर्ग। पुरुष, प प्लस उ प्लस र प्लस उ प्लस श प्लस अ प्लस विसर्ग। पुरुष। रमा, रमा में र प्लस अ प्लस म प्लस आ रमा। गीता, गीता में ग प्लस ई प्लस त प्लस आ, ये गीता का होगा। मतलब जो शब्द होते हैं उसकी छोटी इकाई कर सकते अपन। कैसे कर सकते हैं? वर्ण में, पर वर्ण की छोटी इकाई नहीं कर सकते, उसके और टुकड़े नहीं कर सकते। मोहन, मोहन है म प्लस ओ प्लस ह प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस विसर्ग। मोहन, यहाँ म ह और न क्या है? हलन्त, और उनमें स्वर जुड़े जिससे उसको पूर्ण बनाया गया। आगे हैं वर्ण के भेद। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, पहला स्वर तथा दूसरा व्यंजन। स्वर, स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच्छ। क्या कहते हैं? अच्छ। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। स्वरों की संख्या 13 है। कितनी है? 13। कौन कौन से? अ आ ई ई उ उ री री ली ए ऐ ओ और औ। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण कैसे? उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर निम्न तीन प्रकार के माने गए। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ री ली, इनकी संख्या 5 है। कितनी है? 5। दीर्घ स्वर, आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण काल में मूल स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ री ए ऐ ओ औ, इनकी संख्या है 8। कितनी है? 8। ह्रस्व स्वर की संख्या है 5 और दीर्घ स्वर की संख्या है 8। नोट, ए ओ ए औ, ये दीर्घ स्वर हैं। ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित स्वर। जैसे अ प्लस ई क्या बनेंगे? ए। क्या बनेगा? ए। अ प्लस उ ओ क्या बनेगा? ओ। अ प्लस ए क्या बनेगा? ऐ। अ प्लस उ क्या बनेगा? औ। क्या बनेगा? औ। प्लुत स्वर, आगे पढ़ेंगे प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। इनमें 3
मात्राओं का उच्चारण काल होता है। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए तीन का अंक स्वर के आगे लगाते हैं, अ पीछे लिखा हुआ तीन, ई उ री ली ए ऐ ओ औ, सबके पीछे संख्या लिखी हुई है। नोट, हस्व दीर्घ और प्लुत स्वरों की कुल संख्या है 22, जिनमें 5 हस्व, 8 दीर्घ और 9 प्लुत हैं। व्यंजन, आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन। हल, क्या पढ़ेंगे? व्यंजन या हल। व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता है। व्यंजन का उच्चारण काल अर्धमात्रा काल है। जिस व्यंजन में स्वर का योग होता है, स्वर का योग नहीं होता है, उसमें हलंत का चिन्ह लगता है। मतलब जब हलंत का चिन्ह लगता है तो वर्ण क्या हो जाएगा? आधा। क्या हो जाएगा? आधा। अगर उसमें स्वर जुड़ जाता है तो वो पूर्ण वर्ण बन जाएगा, जैसे क ख ग घ आदि। संस्कृत में इनकी संख्या है 33। कितनी है? 33। जैसे क, क वर्ग में कौन कौन से हैं? क ख ग घ और अंग। च वर्ग में च छ ज झ और इय। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। और अंतस्थ में य र ल और व। उष्म में श श स और ह। और अनुस्वार आप लोग जानते ही हो, जो वर्ण के ऊपर बिंदी लगती है। अनुनासिक, जो वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदी लगती है। और विसर्ग, जो वर्ण के पीछे दो बिंदु लगते हैं। व्याकरण में व्याकरण में व्यंजन का अभिप्राय स्वर रहित वर्ण से ही होता है। व्यंजन के साथ स्वरों का संयोग, क प्लस अ, क, क प्लस ई, की, क प्लस री, क्री। अगर हम लाइन से इसे बोलेंगे तो क प्लस अ बराबर क, क प्लस आ बराबर का, क प्लस ई बराबर की, क प्लस ई बराबर की, क प्लस ऊ बराबर कु, क प्लस ऊ बराबर कु, क प्लस री बराबर क्री, क प्लस री बराबर क्री, क प्लस ली बराबर क्ली, क प्लस ए के, क प्लस ए के कई, क प्लस ओ को, क प्लस ओ कौ। नोट, इसी प्रकार सभी व्यंजन वर्णों के में सभी स्वरों का संयोग या जोड़ होता है, तो ऐसे ही वर्ण बनेंगे। भले इसमें आप ख ग घ अंग च च छ ज ज ञ कुछ भी वर्ण ले लो, उसमें अगर आप मात्राओं को जोड़ोगे तो ये इसी प्रकार नए व्यंजन वर्ण बन जाएंगे, जिसमें स्वर जुड़ेंगे, है ना। अब आगे, संयुक्त वर्ण, दो व्यंजन मिलकर संयुक्त वर्ण बनाते हैं। संयुक्त वर्ण कैसे बनते हैं? आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा है और इसमें भी यही रिपीट हो रहा है। तो संयुक्त वर्ण में क्या होगा? दो व्यंजन मिलकर वर्ण बनाएंगे। जैसे क प्लस श, क्ष, क्या बनेगा? क्ष। कैसा बनेगा? हलंत। उसमें अगर अ जुड़ेगा तो पूरा क्ष बनेगा, है ना। द प्लस अ ध, ज प्लस इय य, प्र प्लस अ प्र, द प्लस ध द, श्र प्लस अ श्र, श प्लस अ क्ष, त प्लस र त्र, ज्ञ प्लस अ ज्ञ, द प्लस व द्व, ध प्लस द्वत प्लस द्वत, स प्लस र स्र, द प्लस य त्र, त्र प्लस अ त्र, प प्लस र प्र, द्व प्लस अ द्व, श प्लस र श्र, स प्लस अ श्र। आगे है हलंत। जिस शब्द के अंत में हल हो
उसे हलंत कहते हैं। यथा देवम शब्द हलंत है। इसका चिन्ह तिरछी रेखा के रूप में वर्ण के नीचे लगाया जाता है। शुद्ध अथवा हल व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे ख प ग। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है तथा वर्ण में स्वर मिलने के बाद इसका लोप हो जाता है। ख या ख प्लस अ ख, ग या आधा ग भी आप लिख सकते हो, प्लस अगर आप हलंत नहीं लगाते हो तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। और उसके बाद अ जोड़ते हैं तो कैसे लिखेंगे, प या प को आधा कैसे लिखेंगे और उसमें अ जुड़ने के बाद कैसे लिखेंगे, आपने अभी तक ये समझा है।